ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਲਕਪੁਰ ਖੜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰੀਐਲਟਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਹਨੀ ਰਾਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਲਕਪੁਰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैंने कुछ आज तथ्य पेश किए हैं कि जो माइनिंग पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके एक इनके साली के बेटे हैं, उनका नाम है भूपिंदर सिंह एलियस हनी। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है, शायद पार्टनर भी होगा बिजनेस का, उसी की तहकीकात मांग रहे हैं हम। एक कुदरतदीप सिंह, लुधियाने के हैं ये दोनों लोग। कुदरतदीप ने मलिकपुर गांव की 4,15,00,000 रुपए की वो खड ली है, जिसमें अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे राणा गुरजीत ने अपने नेपाली खानसामे के जरिए इलीगल माइनिंग में बेनामी इन्वेस्टमेंट की थी, कहीं ना कहीं यही इल्ज़ाम चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी साली के बेटे हनी के थ्रू कुदरतदीप, जिसने ऑफिशियली ली है, उसकी एक कंपनी भी है, उसका नाम है पंजाब रियल्टर्स। तो हमने ये मांग की है कि अमरिंदर सिंह जी चाहे कमीशन के थ्रू, चाहे अपनी विजिलेंस के थ्रू, इसकी तहकीकात कराएं कि पंजाब रियल्टर्स में कौन कौन पार्टनर्स हैं। जो कुदरतदीप ने वो खड ली है मलिकपुर में, उसमें उसका जो मनी ट्रेल है, जो सोर्स ऑफ मनी है, वो 4,15,00,000 रुपये कहाँ से आया है, उसका सोर्स और उसकी इन्वेस्टर्स क्या, उसमें मिनिस्टर के बेनामी पैसे लगे हैं, जाँच होनी चाहिए।